तो गाइज आज का प्लान देखेंगे। 45 बाय 80 फीट का काफी लग्जूरियस प्लान होने वाला है। 3360 स्क्वायर फीट का हमारा हाउस प्लान है। 2 BHK हाउस प्लान विद सेपरेट ड्राइंग रूम विद कार पार्किंग स्पेस। 373 गज का मकान रहेगा। ये लग्जूरियस हाउस प्लान है। एस्टिमेटेड इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप देखेंगे लगभग 21.5 लाख है फॉर द ग्राउंड फ्लोर एंड द मम्टी। तो प्लान को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा लें सो दैट हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके एंड वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए इस डुप्लेक्स हाउस प्लान की तरफ हम चलेंगे। तो गाइस आइए स्टार्ट करेंगे हमारा 42 बाय 80 फीट का प्लान। फ्रंट साइड रोड है, बाकी इधर तीनों साइड जो है अदर प्रॉपर्टीज हैं। प्लॉट के एरिया डिटेल्स देख लें तो 3360 स्क्वायर फीट का 373 गज का हमारा मकान रहेगा। स्लैब एरिया जो हमने कवर किया है वो 2450 स्क्वायर फीट है। लेफ्ट साइड में आपको रैंप दिख रहा है, इससे आप एक्सेस करेंगे थ्रू मेन गेट। सबसे पहले आप एक्सेस कर रहे हैं अपने पार्किंग स्पेस पर। 16 फीट बाय 18 फीट 9 इंच का स्पेस है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्किंग साथ में 2 टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं। राइट साइड में देखेंगे आप 2 स्टेप्स के बाद अपने बरेंडे के ऊपर एक्सेस कर रहे हैं। 4 फीट वाइड ये बरेंडा रहेगा। नीचे की तरफ देखेंगे आपके पास एक गार्डन एरिया है, 7.5 फीट वाइड ये गार्डन एरिया है। लैंडस्केप एरिया है जहाँ पर आप अपनी सिटिंग एरिया प्लस में ग्रीन लैंडस्केप सिट आउट एरिया वगैरह प्लान कर सकते हैं, डिजाइन करवा सकते हैं। 24.5 बाय 7.5 फीट का स्पेस रहेगा जो टोटली आप यूटिलाइज कर पाएंगे। यहाँ से आपके घर की गेस्ट एंट्री रहती है दोस्तों। ड्राइंग रूम में आप सीधा एंट्री करेंगे। 20 फीट बाय 15 फीट का आपके पास स्पेस है ड्राइंग रूम का, काफ़ी लग्जूरियस बड़ा स्पेस रहेगा आपके पास। इस तरीके से आप अपनी सोफा सेटिंग कर सकते हैं, सामने वाले वॉल पर टीवी पैनल लगा सकते हैं। फ्रंट साइड में देखेंगे लैंडस्केप एरिया में ग्रीन वरेंडे एरिया के अंदर आपके पास एक बहुत बड़े साइज़ की विंडो प्रोवाइड की गई की जाएगी, काफ़ी बड़ा ही एक फिक्स ग्लास, साथ में छोटा पोर्शन जो है वो ओपनेबल ग्लास रहेगा फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन ऑफ दिस ड्राइंग रूम एरिया। ये स्पेस देखेंगे आप एज ए प्लांटेशन के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री देखेंगे दोस्तों, ये आपकी गेस्ट एंट्री थी। घर की मेन एंट्रेंस देखेंगे तो ये स्टेप्स के बाद आप बरेंडे को एक्सेस कर रहे हैं। 12 फीट बाय 8 फीट 9 इंच वाइड ये बरेंडा है। दोनों तरफ आपको यहाँ पे प्लांटर मिल रहे हैं दोनों ही स्टेप्स के लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो ये आपके घर की मेन एंट्रेंस है, एंट्री करेंगे डबल डोर आपके पास दरवाजा रहेगा, दोनों साइड में ही आपके पास विंडो प्रोवाइड की गई है। बरेंडे से आप एक्सेस कर रहे हैं अपने फॉयर के अंदर। 12 फीट बाय 10.5 फीट का स्पेस है। यहाँ देखेंगे आप डिस्प्ले एरिया रहेगा, अपना वाटर बॉडी या कुछ भी इस तरीके का एक डिस्प्ले एरिया के तौर पे कुछ एक डेकोरेटिव वे में एक फीचर वॉल के तौर पे इसको डिजाइन करवाएं सो दैट इस फॉयर को आप ब्यूटीफाई कर पाए। यहाँ पर आप अपने प्लांटर्स वगैरह लगा सकते हैं। ओपनिंग के थ्रू आप एक्सेस करेंगे अपने लॉबी स्पेस के अंदर। ये लॉबी देखेंगे कि दोस्तों काफी बड़ी लॉबी आपको मिल रही है, 21 फीट बाय 18 फीट 9 इंच वाइड ये लॉबी है। लॉबी से हम सबसे लॉबी को डिस्कस करेंगे हम थोड़ी देर बाद में। यहाँ से हम पहले चलते हैं हमारे ओपनिंग के थ्रू। इस लॉबी को आप एक्सेस कर रहे हैं अपने ड्राइंग रूम में अंदर। साथ ही साथ सेकंड एंट्रेंस मिल रही है आपको अपने मंदिर की लॉबी से ही, आपको मंदिर के अंदर एक्सेस मिल रहा है। 7.5 बाय 8 फीट का आपको मंदिर का बड़ा स्पेस मिल रहा है। सामने यहाँ स्टैचू रहेगा, ऊपर यहाँ पर आपको वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया है जो कि आपका डोर लिंटल लेवल हाइट पर रहेगा। सो इधर आप अपनी सिटिंग करें, यहाँ पर आप सिटिंग करें, यहाँ पर आप अपना स्टैचू रखें। सो फॉयर और लॉबी स्पेस में देखेंगे तो यहाँ पर आपको डाइनिंग स्पेस मिल रहा है, सिटिंग स्पेस मिल रहा है, स्टेयरकेस लॉबी मिल रही है, पाउडर रूम मिल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे स्टेयरकेस। 3 फीट 9 इंच वाइड स्टेयरकेस है, 11 इंच का आपका ट्रेड रहेगा। राइजर की बात अगर हम करें तो 6.5 इंच का हमने राइजर रखा है। इस तरीके से डिजाइनर स्टेप्स आप बनाएंगे एंड इस तरीके से आप अपना अप चलेंगे। स्टेयरकेस के नीचे से आपको यहाँ पे क्लियर हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने आपका दरवाजा रखा है पाउडर रूम का, 7 फीट बाय 5 फीट 4.5 इंच का आपका दरवाजा रहेगा पाउडर रूम का। ये आपके WC है, ये आपका वॉश स्टेशन है, ये आपके WC है। इतना स्पेस आप देखेंगे तो इतना स्पेस हम 7 फीट के लेंटर हाइट रखेंगे, उसके ऊपर हम आपके WC शाफ्ट रखेंगे सो दैट इस स्पेस की जो है लाइट एंड वेंटिलेशन हो सके। इट मीन्स कि ये जो एरिया है इसकी हाइट आपकी क्लियर आप 10.5-11 फीट पे जो भी लेंटर रख रहे हैं वहाँ पर रहेगी। यहाँ पे आपकी 7 फीट के बाद आपका लेंटर रहेगा सो दैट जो डिफरेंट डिफ्रेंशिएशन बची हाइट के अंदर वहाँ पर आप अपनी वेंटिलेटर प्रोवाइड कर सकें। ये आपका वॉश स्टेशन रहेगा, स्टेयरकेस के नीचे आप अपना वॉश स्टेशन रख सकते हैं फॉर दिस डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग की बात करें तो 8 सीटर डाइनिंग हमने इस तरीके से प्लेस की है। यहाँ पर आपकी सोफा सेटिंग रहेगी ड्राइंग रूम के सामने ही। ये आपका कंसोल रहेगा, कंसोल से आप देखेंगे आपका जो और स्पेस बचता है, एक मास्टर बेडरूम है, सेकेंड बेडरूम है, साथ में एक किचन है। ओपनिंग के थ्रू हम सबसे पहले देखेंगे हमारी किचन को। 10 फीट बाय 14 फीट के आपको किचन का साइज मिल रहा है। ओपनिंग के थ्रू आप एक्सेस करेंगे इस तरीके से। सी टाइप में आप अपनी स्लैब रखेंगे, यहाँ पर गैस स्टोव रखेंगे। फ्रंट साइड में यहाँ पे सेंट्रली आप अपना सिंक रखेंगे, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस रखा गया है। सो इस तरीके से आप अपनी किचन को जो है लेआउट रखेंगे।
फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलेंगे, लॉबी से आप इस स्पेस से इसको एक्सेस कर रहे हैं। 3 फीट 3 इंच वाइड आप अपना जो है दरवाजे के विड्थ रखें। ये बेडरूम का साइज मिल रहा है आपको 12 बाय 14 फीट का बेडरूम का साइज मिलेगा। इस तरीके से आप बेडिंग करें, सामने वाली वॉल पर टीवी पैनल लगाएं। एंड ये पूरी लंबी एक अलमीरा आपको मिल रही है ड्रेसिंग के अंदर। काफी बड़ी विंडो है आपके पास, 5.5 बाय 5 फीट 1/2 इंच वाइड आपके पास स्पेस रहेगा। यहाँ पर आप अपने ड्रेसर वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी सिटिंग कर सकते हैं। अटैच टॉयलेट मिल रहा है, ड्रेसिंग के थ्रू आप टॉयलेट के अंदर एक्सेस करेंगे। 5.5 बाय 8.5 फीट का आपको एक टॉयलेट का साइज मिलेगा। 2.5 फीट के दरवाजे के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हैं, ये वॉश बेसिन रहेगा। देन आपके पास WC है। लास्ट में आपका बेडिंग एरिया है, वेंटिलेशन के लिए आपका 2 बाय 3 फीट का वेंटिलेटर हमने प्रोवाइड किया है। बेडरूम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दरवाजा मिल रहा है, 3 फीट 3 इंच वाइड बरंडा दरवाजा है, जो कि बरंडे को एक्सेस करने में हेल्पफुल रहेगा। फिर आपके पास ये ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क के बाद आपके पास यहाँ पे विंडो रहेगी फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन ऑफ दिस बेडरूम। पीछे का स्पेस देखेंगे तो 6 फुट 4 इंच वाइड बरंडा रहेगा। उसके बाद आपके पास यूटिलिटी एरिया है, 34 फीट 3 इंच बाय 10 फीट का स्पेस है, जो कि एज एन यूटिलिटी एरिया के तौर पर आप यूज करेंगे। आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं, इस तरीके का स्पेस आप यूटिलाइज करेंगे। चलेंगे हमारे सेकंड और लास्ट बेडरूम की तरफ। यहाँ से आप डबल डोर के थ्रू एक्सेस करेंगे। ड्रेसिंग के अंदर आप सीधा एक्सेस कर रहे हैं, पैसेज है 12 फीट बाय 8 फीट का, आपको यहाँ पैसेज मिल रहा है। इस तरीके से हमने अलमीरा रखी है, यहाँ पर एक ही अलमीरा रहेगी, पूरी वॉल पे आपके पास अलमीरा रहेगी। यहाँ पर आपका ड्रेसिंग टेबल रहेगा, यहाँ पर आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन देखेंगे 12 फीट बाय 8 फीट इसकी डायमेंशन है। ओपनिंग के थ्रू आप इस बेडरूम में एक्सेस कर रहे हैं। बेडरूम का साइज देखेंगे तो 12 फीट बाय 20 फीट का बड़ा अच्छा बेडरूम मिल रहा है आपको। बेडिंग देखेंगे, इस तरीके से हमने बेडिंग करी है, सामने वाली वॉल पे यहाँ टीवी पैनल लगाई है। टीवी पैनल के साथ ही आप अटैच करते हुए आपको एक वर्कस्टेशन प्रोवाइड किया गया है। इस तरीके से 4 फीट वाइड ये वर्कस्टेशन है। यहाँ पर आप अपनी सोफा सेटिंग कर सकते हैं, इधर आप लैपटॉप प्लांट अपना लैपटॉप PC या अपनी वर्किंग एरिया के तौर पर इसको डिस्प्ले वगैरह के लिए या फिर कुछ वर्किंग स्टडी करने के लिए इसको यूज में ला सकते हैं। आगे देखेंगे सोफा सेटिंग की गई है इसी के अंदर। यहाँ पर इस तरीके से सोफा सेटिंग करें, यहाँ कॉर्नर सोफा लगा सकते हैं आप। अटैच टॉयलेट मिल रहा है आपको, 2.5 फीट के दरवाजे के थ्रू टॉयलेट के अंदर एक्सेस करेंगे। 5.5 बाय 10.5 फीट का टॉयलेट का साइज मिलेगा। इस तरीके से वॉश बेसिन रहेगा, फिर आपके पास सेंट्रली WC रहेगी, ये आपका बेथिंग स्पेस रहेगा। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए WC के सामने आपको वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया है, जो कि यूटिलिटी एरिया में ओपनेबल है। जितना आपके पास यहाँ बेडरूम है, उतना ही स्पेस हमने बरेंडे के लिए एक्सेस किया है। 6 फुट 4 इंच वाइड हमने बरेंडा प्रोवाइड किया है, सो देट यहाँ पर आप अपनी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। इट मीन्स के जो सेटिंग है ये कवर्ड सेटिंग रहेगी, 6 फुट 4 इंच काफी बड़ा स्पेस हो जाता है सेटिंग के लिए। सो यहाँ पर आप अपनी सोफा सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। काफी अच्छी प्लानिंग के साथ आपको प्लान दिया गया है 42 बाय 80 फिट के अंदर। मास्टर बेडरूम के साथ लॉबी स्पेस आपके पास, बेडरूम स्पेस है, ड्राइंग रूम एरिया है, विद मंदिर है, का पार्किंग स्पेस है, फ्रंट लॉन है, फॉयर है, ड्रेसिंग टेबल है, बड़ा ड्रेसिंग एरिया है, 2 ड्रेसिंग्स हैं, 2 टॉयलेट्स हैं, 1 पाउडर रूम है, किचन एंड डाइनिंग स्पेस है, बड़ी डाइनिंग स्पेस है। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको प्लान पसंद आया होगा। इतनी सारी खूबियों के साथ हमने इस प्लान को इतने ही अच्छे प्रकार से बनाया है कि आपको फुल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस मिल जाए इस प्लान के अंदर। अगर प्लान आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लान कैसा लगा, अच्छा ना लगा हो, कोई कमी हो तो आप हमें वो भी ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ अगर आपको फ्रेंड को, आपके किसी फ्रेंड को, आपके किसी रिलेटिव को इस तरह के प्लान की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा रेफरेंस दे सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रीली शेयर करें, सो दैट आप किसी की हेल्प कर पाएँ। सो गाइस, चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।